हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, कि हम जो जानते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये स्ट्रक्चर आता कहाँ से है, इसमें क्या क्या एविडेंसेस थे जिन्होंने बताया कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, कि जो होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज, और साथ में आपका इसमें पॉइंट्स क्या होंगे कि द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज वॉज असाइंड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एविडेंसेस। अभी मैं कुछ आप देखूंगा केमिकल रिएक्शंस और प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज जिनकी हेल्प से हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया जो अभी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आपके प्रॉपर्टीज आती है इसमें या स्ट्रक्चर के लिए हमारे पॉइंट आते हैं। तो पहला हम लिखेंगे पॉइंट यहां पर क्या होता है, फ्रॉम एलिमेंटल एनालिसिस परसेंटेज कंपोजिशन डिटर्मिनेशन एंड मॉलिकुलर वेट द ग्लूकोज वाज असाइंड मॉलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 हमने कहां से लिख दिया, ये तो अपना भाई का नहीं। तो इसमें होता क्या है कि पहले हमने लिखा पॉइंट एलिमेंटल एनालिसिस, ग्लूकोज के अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं उनका टेस्ट करते हैं, टेस्ट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एक बार हम, ये दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो हमारा टॉपिक था प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर था ना, उसमें मेथड होता है इसमें लाइक डोमास जेल्डाल और उसमें सर आता है। तो वहाँ पे परसेंट हाउ टू फाइंड द टेस्ट ऑफ कार्बन, टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन, तो वो सब टेस्ट होते हैं, उनकी हेल्प से निकाला हमने कि ग्लूकोज के अंदर ये एलिमेंट्स हैं। फिर निकाला परसेंटेज कंपोजिशन बाय डिफरेंट मेथड्स जो हमारे होते हैं POC के अंदर, और फिर था हमारा मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन, तो ये मोलर वेट कहाँ से आता है, यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट एप्लीकेशंस और यूजिंग क्वालिटी प्रॉपर्टीज लाइक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हमारी कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं क्वालिटी प्रॉपर्टीज, उनकी हेल्प से हमने निकाला ग्लूकोज का मॉलिकुलर वेट। फिर ग्लूकोज का निकाला हमने उसके बाद में मॉलिकुलर फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर हमको पता है परसेंटेज कंपोजिशन, उससे हम निकाल सकते हैं ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला। एक बार हमको पता है ग्लूकोज का इतना मोलर वेट है और ये है ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला, देन फॉर द ग्लूकोज वी कैन डिटरमाइन द मॉलिकुलर फॉर्मूला जो ग्लूकोज के लिए है C6H12O6, पहला पॉइंट। अगला आपके यहां पर है नेक्स्ट पॉइंट, एक इसमें रिएक्शन आता है, रिएक्शन ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग ऑफ ग्लूकोज विद HI, इट गिव एनहेक्सेन। What this reaction suggest? It suggest the presence of open straight carbon chain of glucose structure. कि अगर हम रिएक्शन करते हैं ग्लूकोज का, अगर हमारे पास ग्लूकोज का हमने रिएक्शन किया किससे, HI से, प्रोलॉन्ग हीटिंग किया, लॉन्ग टाइम पे ट्रीटमेंट करते हैं, प्रोलॉन्ग हीटिंग, तो क्या बनता है प्रोडक्ट आपका रिएक्शन, फाइनली रिएक्शन आपका प्रोडक्ट बनता है एनहेक्सेन। एनहेक्सेन का मीनिंग क्या, स्ट्रेट कार्बन चेन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन, तो एनहेक्सेन के अंदर स्ट्रेट कार्बन चेन है, इसका मीनिंग क्या है, ग्लूकोज के अंदर भी कोई ब्रांच नहीं होनी चाहिए और क्या होना चाहिए ग्लूकोज स्ट्रक्चर में, ओपन स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम्स, ये होना चाहिए ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये हमारा पहला पॉइंट आया। फिर अगला आता है रिएक्शन में या पॉइंट्स के लिए प्रॉपर्टीज में, ग्लूकोज रिएक्ट विद योर NH2OH हाइड्रोक्सिलामीन टू फॉर्म ऑक्साइन फॉर्म विद HCl, इट फॉर्म्स साइनोहाइड्रिन विद HCl, इट फॉर्म साइनोहाइड्रिन।
तो ग्लूकोज रिएक्ट विद NH2OH फ्रॉम ऑक्सीजन विद HCl फ्रॉम साइनोहाइड्रिन। ये दोनों रिएक्शन किसकी प्रॉपर्टीज है? ये प्रॉपर्टी होती है CHO या CO ग्रुप का। तो ये रिएक्शन क्या करते हैं, दिस रिएक्शन इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अभी इसमें हमको ये पता नहीं चलेगा इससे कि ये ग्रुप एल्डिहाइड एंड कीटोन है, बट ये श्योर है कि कंपाउंड के अंदर ये कार्बोनिल ग्रुप होगा। इस ग्रुप के वजह से ही आपका रिएक्शन हो सकता है ऑक्सीजन फॉर्मेशन और HCl। अगर मैं लिखता हूं रिएक्शन वाइज, तो मान लो हमारे पास ग्लूकोज दिया है, CHO का स्ट्रक्चर बनते ही है CHOH होल 4 CH2OH। अगर इसका हम रिएक्शन करते हैं NH2OH से तो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट में? ऑक्सीजन फॉर्मेशन, CH डबल बॉन्ड NOH अगर हम रिएक्शन करते हैं इसका HCl से, मींस HCl प्लस KCl मिक्सचर, तब क्या बनता है? साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन CnOHH CHOH होल 4 CH2OH। ये आपको बनेगा साइनोहाइड्रिन। ये प्रॉपर्टीज क्या है? साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन और प्रॉपर्टी ऑक्सीजन फॉर्मेशन, ये हमारा बन गया ऑक्सीजन। तो ये आपका इंडिकेटिव होता है प्रेजेंस ऑफ CO ग्रुप का, दैट CO ग्रुप कैन बी आइदर एल्डिहाइड और कैन बी कीटोन। उसके लिए कोई लिमिटेशन मतलब उसके बारे में हमें यहां से पता नहीं चलेगा, उसके लिए हमें और इंफॉर्मेशन चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। एक्चुअली सारा प्रॉपर्टीज के थ्रू ही हमको स्ट्रक्चर मिलता है ग्लूकोज का, कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये होता है, ये कहां से प्रेडिक्ट करते हैं? सारा प्रॉपर्टीज है। अगला मिलता है प्रॉपर्टी हमको नेक्स्ट मिलता है कि ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज इजिली। With mild oxidizing agent like bromine water, glucose gets oxidized easily with mild oxidizing agents like bromine water to give a carboxylic acid having same number of carbon atoms indicating the carbonyl group to be aldehyde group glucose get oxidized easily with the mild oxidizing agents like your bromine water to give carboxylic acid having same number of carbon atoms indicating the carbon group to be CHO group। ठीक है, एक्चुअली देखिए होता क्या है कि अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं कीटोन्स का, आप पढ़े थे टॉपिक में इन टॉपिक एल्डिहाइड कीटोन्स, व्हेन वी टेक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स तो क्या होता है इस रिएक्शन में, हमको मिलता है एसिड कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर हम करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स तो क्या होता है, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन में वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड्स बट दे हैव लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसका रीजन क्या होता है कि एक तो कीटोन्स का रिएक्टिविटी कम होता है ऑक्सीडेशन के लिए, और क्या होता है जब कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपका ब्रेक होता है कंपाउंड दो या ज्यादा फ्रैक्शंस के अंदर, तो और सब फ्रैक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो जाते हैं। तो यहां पर क्या आपको जो रिएक्शन दिया है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन इजिली हो जाता है किससे, विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक योर ब्रोमिन वाटर इवन टॉलरेंस रिएजेंट फेरिंग सॉल्यूशन। वो तो खैर आपको और भी टेस्ट देते हैं कंपाउंड का, बट यहाँ पर ब्रोमीन वाटर का जो स्पेशल रिएक्शन है वो बताता है ग्लूकोज के अंदर एक CO ग्रुप है और CO ग्रुप कैसा हुआ, CHO ग्रुप होता है। तो इसमें एक्चुअल रिएक्शन क्या होता है ब्रोमीन वाटर में, अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं ये CHO ग्लूकोज अगर हम लेते हैं कंपाउंड को, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा रिएक्शन में तो क्या बनता है, बाय ब्रोमीन वाटर CHO बिकम COOH and if compound is glucose तो product का नाम होता है gluconic acid। क्या नाम है product का, gluconic acid। glucose से हमको बनेगा reaction में मिलेगा gluconic acid formation। तो एक हमारा इस reaction से idea बनता है कि glucose का oxidation easy होता है, और इससे पता चलता है कि CO group हमारा glucose में CHO group है और ये product होता है reaction का।
तो यहां से हमको आइडिया लगता है ग्लूकोज के अंदर स्ट्रेट कार्बन चेन है, 6 कार्बन एटम्स का, और उसमें एक CO ग्रुप है, और वो CO ग्रुप क्या है, वो CO ग्रुप हमारा है एल्डिहाइड ग्रुप। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहां पर आता है वो आता है एसिटाइलेशन का। ये हमारा प्रॉपर्टी है अल्कोहल का कि अगर हम रिएक्शन करते हैं ऑन मींस ग्लूकोज का देगा, ग्लूकोज गिव पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव डेरिवेटिव इंडिकेटिंग इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एंड दीज 5 OH ग्रुप्स मस्ट बी अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन एटम्स, टू डिफरेंट कार्बन एटम्स, दीज 5 OH ग्रुप्स मस्ट बी अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन एटम्स। समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर सेम कार्बन के पास 2 OH होंगे या 3 OH होंगे तो कंपाउंड का स्टेबिलिटी कम होता है, और क्या होता है ऐसे कंपाउंड रेडली वाटर एलिमिनेट करते हैं, और क्या बनता है अगर 2 OH होंगे तो CHO बनेगा या कीटोन बनता है, 3 OH पे COOH बनता है। बट ग्लूकोज में ऐसा नहीं होता है, ग्लूकोज इज स्टेबल, सिंस इसका रीजन क्या है, सिंस ग्लूकोज इज स्टेबल, इट मींस ग्लूकोज इट इज स्टेबल। ग्लूकोज अपने आप वाटर नहीं निकालता है, इसका मीनिंग जो 5 के 5 OH ग्रुप होना चाहिए डिफरेंट पोजीशन पर होना चाहिए। बनता कैसे इस रिएक्शन में, देखिए अगर हम रिएक्शन करते हैं ग्लूकोज का, एसिटिक एनहाइड्राइड से तो यहां पे 5 क्लोरीन कंज्यूम करते हैं यहां पर, और प्रोडक्ट क्या बनता है CHO और CHOAC, AC का मीनिंग होता है CH COCH3 होल 4 और CH2O COCH3। ये क्या होगा ग्लूकोज का पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। जब हम रिएक्शन करते हैं ग्लूकोज का एसिटिक एनहाइड्राइड से या एसिटाइल क्लोराइड से तो क्या बनता है पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। मतलब क्या होता है इस रिएक्शन से हमको पता चलता है ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप हैं, और 5 के 5 OH ग्रुप अटैच्ड हैं कहां पर, 5 डिफरेंट पोजीशंस पर, 5 डिफरेंट पोजीशंस पर, सॉरी यहां पे OH ग्रुप हुआ, 5 OH ग्रुप है, और वो 5 के 5 OH कहां पर लगे हुए हैं ऑन 5 डिफरेंट कार्बन एटम्स। तो इस रिएक्शन से पता चलता है ग्लूकोज में 5 हमारे OH ग्रुप है। अगला एग्जांपल जो हमारा अगला रिएक्शन आता है यहां पर है ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड गेट ऑक्सीडाइज्ड विद बाय डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 टू गिव डाइकार्बोक्सिलिक एसिड That is called as glucuronic acid or also called saccharic acid indicating the presence of one primary alcoholic group in both compounds इन बोथ कंपाउंड्स। ये हमारा ग्लूकोज होता है इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं भाई नाइट्रिक एसिड तो क्या आएगा रिएक्शन का प्रोडक्ट CHO बिकम COOH CHOH COOH। ये हम लेते हैं ग्लूकोनिक एसिड मीन COOH जो था हमारा CHOH होल 4 CH2OH। ये हमारा होता है ग्लूकोनिक एसिड
ये बनेगा हमारा ग्लूकारिक एसिड और ये ग्लूकोज है। तो अगर हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं विद डाइल्यूट HNO3 तो सॉरी बाय ब्रोमीन वाटर तो क्या बनता है हमारा ग्लूकोनिक एसिड। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं या इसका ऑक्सीडेशन करते हैं यहां पे एरो बैकवर्ड है ये हमारा कंपाउंड है ग्लूकोनिक एसिड तो भी हमारा कंपाउंड सेम बनता है COOH COOH टॉप और बॉटम पर। इसका मीनिंग क्या होता है इसका रोल क्या है HNO3 का कि इट ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड एंड प्राइमरी अल्कोहल टू COOH। तो दोनों ही केस में ग्लूकोज के अंदर और ग्लूकोनिक एसिड के अंदर भी एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए तभी ये रिएक्शन आपको दिखेगी यहां पर तभी आपको ये रिएक्शन आपको विजिबल होगा फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकारिक एसिड दोनों रिएक्शन से। तो ये हमारा रिएक्शन से आइडिया लगता है कि ग्लूकोज के अंदर और ग्लूकोनिक एसिड दोनों में क्या क्या है एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप भी साथ में प्रेजेंट होता है। ठीक है हमारा जो अगला प्रॉपर्टीज है इसमें कुछ और रिएक्शन यहां पर है ग्लूकोज की। अगर हम रिएक्शन करते हैं ग्लूकोज का कुछ रिएक्शन ऑलरेडी कर भी चुके हैं पहले से भी उसमें इसे एक होता है यहां पर रिएक्शन इसका रिडक्शन करते हैं हम रिडक्शन करते हैं किसके प्रेजेंस में रिडक्शन विद H2 निकल और इवन सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको H2 निकल भी क्या होता है CHO बिकम CH2OH CHOH होल 4 CH2OH। तो यहां पर हमारा ग्लूकोज था क्या देगा प्रोडक्ट यहां रिएक्शन में इसको देंगे सॉर्बिटॉल और ग्लूसिटॉल कॉमन नेम है ग्लूसिटॉल और सॉर्बिटॉल। अब ये आपका कंपाउंड होता है रिडक्शन करने पर। अब इसका अगर हम रिएक्शन करते हैं आगे विद HI यहां भी हीट करते हैं लॉन्ग टाइम में तो क्या बनता है इट गिव द रिएक्शन टू आयोडोहेक्सेन प्रॉपर्टी है इस कंपाउंड का। सॉर्बिटॉल का रिडक्शन करते हैं सॉर्बिटॉल और ग्लूसिटॉल रिएक्शन करते हैं HI से हीट करने पर लॉन्ग टाइम में तो क्या बनता है प्रोडक्ट 2-iodohexane इस रिएक्शन में। अगर हम रिएक्शन करते हैं ग्लूकोज का किससे HIO4 से तो इस रिएक्शन में 5 मोल्स कंज्यूम करते हैं HIO4 के और प्रोडक्ट क्या बनता है रिएक्शन में इट गिव 5 मोल्स ऑफ HCOOH एंड 1 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ये हमने रिएक्शन पढ़ा था वहां पर क्लीवेज विद ऑफ विस्मिल डायोल्स तो वहां पर ये रिएक्शन हमको मिलता है। अगर हम रिएक्शन करते हैं ग्लूकोज का किससे अमोनिया सोडियम बाइसल्फाइड और स्किप्स दिस ग्लूकोज विद नो रिएक्शन देयर इज नो रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद दिस रिएजेंट्स। और क्या होता है इसका ये तो हमें मिला पूरा स्ट्रक्चर के लिए पॉइंट ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ओपन चेन है 5 OH ग्रुप है एक ग्रुप एल्डिहाइड है और बाकी जो सारा स्ट्रक्चर हमको आइडिया मिलते हैं प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप होगा ग्लूकोज में इन सब रिएक्शन से हमको ये आइडिया मिलता है। लेकिन H और OH लेफ्ट कितना है राइट कितना है ये हमको मिलता है और काफी सारी केमिकल रिएक्शन से। तो जो आपका अगला आता है एग्जैक्ट स्पेशियल अरेंजमेंट स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है दैट इज कॉल्ड स्पेशियल अरेंजमेंट इज डिटरमाइंड बाय मेनी अदर डिफरेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस उनके हेल्प से हमको मिलता है ग्लूकोज का एग्जैक्ट स्पेशियल अरेंजमेंट किस स्पेस में कौन सा है HOH लेफ्ट में कितना है राइट में कितना है वो हमको मिलते हैं और अदर केमिकल रिएक्शन से। ठीक है तो ये हमारा हुआ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर मिलता है यहां से। लेकिन ओपन चेन स्ट्रक्चर में कुछ ड्रॉबैक होते हैं विच उससे हमें मिलता है ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा इसमें ऑब्जेक्शंस टू ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड द ग्लूकोज रिंग स्ट्रक्चर। तो हमारा देखिए वी हैव डिस्कस टिल नाउ कि हमारा ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है उसके लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। देख सकते हैं कि ग्लूकोज हैव ओपन चेन स्ट्रक्चर बट ओपन चेन स्ट्रक्चर में कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं ऑब्जेक्शंस हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं वो यहाँ पर एक लिस्ट किया हुआ है।
पहला ड्रॉबैक होता है कि ग्लूकोज में क्या होता है, ऑक्सीडेशन तो इजी होता है, दो ऑक्सीडाइज इजीली, इट डज नॉट गिव 2-4 डीएनपी टेस्ट। अगर हम देखें एल्डिहाइड कीटोन्स जो भी होते हैं, सब एक टेस्ट होता है 2-4 डीएनपी टेस्ट, जिसको बोलते हैं ब्रेडिस टेस्ट, वो देते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है ब्रेडिस टेस्ट का, कि 2-4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन होगा, एल्डिहाइड का कीटोन का क्या बनता है, येलोइश क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते हैं, पीपीटी बनता है, वो यहां पर ग्लूकोज में नहीं होता ये वाला टेस्ट। और क्या है स्किप्स टेस्ट, ये टेस्ट होता है एल्डिहाइड के लिए, नेगेटिव है, इट डज नॉट रिएक्ट विद अमोनिया एंड सोडियम बाइसल्फाइट, कि अगर हमारे कंपाउंड के अंदर ग्रुप था एल्डिहाइड तो उसका रिएक्शन होना चाहिए था, ऑल एल्डिहाइड्स आर रिएक्टिंग विद सोडियम बाइसल्फाइट, बट ग्लूकोज का रिएक्शन नहीं होता है सोडियम बाइसल्फाइट से या अमोनिया से। अगला आता है पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज, देखो हमने रिएक्शन किया था ओपन चेन स्ट्रक्चर में, हमारा पॉइंट था कि जब रिएक्शन हम करते हैं ग्लूकोज का एसिटिक एनहाइड्रेट से तो क्या बनता है पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव, उसमें पांच आते हैं OCO CH3 ग्रुप और एक CHO रहता है। अगर CHO ग्रुप फ्री है तो क्या होना चाहिए था, टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट देना चाहिए ग्लूकोज को या रिएक्शन होना चाहिए था NH2OH से, बट ग्लूकोज का रिएक्शन नहीं होता है पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव का विद NH2OH या टॉलरेंस रेजिम और फेलिंग सॉल्यूशन और ब्रेडिक सॉल्यूशन, ये सब टेस्ट क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। इसका मीनिंग क्या है, ग्लूकोज के अंदर CHO ग्रुप फ्री नहीं है। फिर आता है इन सॉल्यूशन ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, इसका नाम हम पढ़ाएंगे थोड़ी देर में देखते हैं, एक का नाम होता है अल्फा डी ग्लूकोज और एक का नाम होता है बीटा डी ग्लूकोज। आपका जो सॉल्यूशन में ग्लूकोज दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज, ये कैसे बनेंगे इसको समझाएंगे, ये ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम लोग। और एक आता है फिनोमिना ऑफ म्यूटरोटेशन, ये ग्लूकोज का प्रॉपर्टी है और सारे शुगर जो रिड्यूसिंग होते हैं उनका प्रॉपर्टी है, शुगर रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग क्या होते हैं इसके बारे में भी बताएंगे डिस्कस करेंगे। फिर क्या लिखा है ग्लूकोज फ्रॉम टू काइंड ऑफ आइसोमेरिक मिथाइल ग्लूकोसाइड्स विद CH3OH इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एचसीएल। देखो ग्लूकोज में क्या होता है या कोई भी हम एक जनरल रिएक्शन देते हैं, मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है, एक ग्रुप है एल्डिहाइड, इसका हमने रिएक्शन किया CH3OH से इन ड्राई एचसीएल, एसिड कैटलाइज रिएक्शन हुआ, तो पहले क्या बनता है हेमी एसिटल, और ये हम जानते हैं कि हेमी एसिटल से स्टेबल कम होते हैं और रिएक्शन होता है रिवर्सिबल। तो जो हमारे कंडीशंस होती हैं, हमारे जो कंडीशंस होती हैं लाइक टॉलरेंस रिएजेंट में या फेलिंग सॉल्यूशन में, हेमी एसिटल्स क्या होते हैं दे हाइड्रोलाइज बैक टू द स्टार्टिंग एल्डिहाइड, मतलब क्या होंगे रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा और क्या बनता है फ्री एल्डिहाइड। उसके बाद ये टॉलरेंस टेस्ट देते हैं फेलिंग टेस्ट देते हैं, एक पॉइंट है लिखा था आपको मैंने टॉलरेंस और फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर कि हेमी एसिटल्स गिव टेस्ट विद द टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन, दोनों से टेस्ट पॉजिटिव होता है हेमी एसिटल्स का। क्यों होता है, क्योंकि हेमी एसिटल्स बहुत स्टेबल नहीं होते हैं और रिएक्शन वापस आएगा, एसिटल्स टेस्ट नहीं दे सकते हैं, बट हेमी एसिटल्स विल गिव टेस्ट विद द टॉलरेंस और फेलिंग सॉल्यूशन, ये टेस्ट नहीं देते हैं विद टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। ये हमारा कंपाउंड कैसा है हेमी एसिटल है और ये हमारे कंपाउंड कैसे हैं एसिटल्स हैं। अगर हम अज्यूम करते हैं सेम चीज ग्लूकोज के लिए, तो क्या होता है ग्लूकोज के अंदर एक CHO ग्रुप होता है, तो उस CHO ग्रुप की वजह से रिएक्शन होना चाहिए ग्लूकोज का CH3OH से ड्राई एचसीएल में, तो क्या बनना चाहिए इस टाइप का कंपाउंड बनना चाहिए, बनते भी है ग्लूकोज में, बट क्या बनता है ग्लूकोज में टू काइंड ऑफ मिथाइल ग्लूकोसाइड्स। वो क्यों बनेंगे, बिकॉज ग्लूकोज का वो सॉल्यूशन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए दो टाइप के बनते हैं मिथाइल ग्लूकोसाइड्स, और मिथाइल ग्लूकोसाइड्स दोनों के अंदर एक ही CH3 ग्रुप लगता है, मतलब रिएक्शन उसका हुआ एक ही मोल से CH3OH से, बट जो प्रॉपर्टी होती है मिथाइल ग्लूकोसाइड्स की वो रिजेंबल करती है एक फुल एसिटल्स को, मतलब ग्लूकोज का जो हम दो बनाएंगे आइसोमेरिक मिथाइल ग्लूकोसाइड्स दे विल नॉट गिव टेस्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन और ब्रेडिक सॉल्यूशंस, वो तीनों टेस्ट नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब क्या है, जो हमारा ग्लूकोज के मिथाइल ग्लूकोसाइड बनते हैं वो रिजेंबल करना चाहिए एसिटल्स को, ना कि हेमी एसिटल्स को एक CH3 ग्रुप होने के बाद भी। तो ये हमारा एक ड्रॉबैक्स है ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर के, इनसे में क्या मिलता है दीज गिव द आइडिया ऑफ द ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज।
आपका नेक्स्ट हेडिंग हम यहां डाल लेते हैं हेडिंग को साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखो होता है क्या, ग्लूकोज के अंदर अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, कार्बन थर्ड पे OH लेफ्ट साइड में होता है और सारे ग्रुप OH राइट साइड में है। इसको याद करने का ट्रिक भी है, तरीका भी है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन थर्ड पे हमारा OH ग्रुप लेफ्ट में है और सारे ग्रुप OH राइट साइड होते हैं। वन कार्बन, टू कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर कार्बन, फाइव कार्बन, सिक्स कार्बन, छह कार्बन है ग्लूकोज के अंदर। अब होता क्या है, देखिए यहां पर क्या है, सेम मॉलिक्यूल में एक CHO ग्रुप है और एल्कोहल ग्रुप भी है, तो यहां पर क्या हुआ, रिएक्शन बिकम इंट्रा मॉलिक्यूलर। नॉर्मल क्या होता है, रिएक्शन अगर हम करते हैं कीटोन्स का एल्डिहाइड का विद CH3OH और एल्कोहल, तो पहले बनते हैं हमारे थे हेमी एसिटल्स एल्डिहाइड में, फिर एसिटल्स फाइनली। अगर हम लेते हैं कीटोन्स तो पहले बनते हैं हेमी कीटल और लास्ट में कीटल्स बनते हैं। लेकिन ग्लूकोज में क्या होता है, ग्लूकोज के अंदर सेम मॉलिक्यूल में CHO ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी होते हैं, तो यहां पर क्या हुआ, रिएक्शन बिकम इंट्रा मॉलिक्यूलर। कैसा, इंट्रा मॉलिक्यूलर अटैक ऑफ OH ग्रुप ऑन CHO ग्रुप। इस रिएक्शन में इसी OH का अटैक हुआ। रिएक्शन क्या होता है, जब भी हमारे रिएक्शन हुए इंट्रा मॉलिक्यूलर तो वो फेवर करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एटलीस्ट 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग। अगर 6 मेंबर रिंग बन सकती है तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, तो वो प्रेफर होती है रिएक्शन में। यहां पर क्या है, सेम कंपाउंड में OH ग्रुप भी है और CHO ग्रुप भी है, तो यहां पर रिएक्शन अटैक हुआ इंट्रा मॉलिक्यूलर। अब कार्बन का यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो sp2 का मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्री क्या है कार्बन के चारों तरफ, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगा। अगर ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर तो उसका मीनिंग क्या होता है कि इस कार्बन के चारों तरफ अगर हम अटैक करते हैं न्यूक्लियोफाइल का तो दो टाइप से अटैक पॉसिबल है। मान लो ये हमारा कंपाउंड है, स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेन में होंगे सारे एटम्स, तो अटैक ऑफ OH कैन बी फ्रॉम दिस साइड, तो ग्रुप ऐसे जाएंगे नीचे तरफ। अगर हम अटैक करते हैं बॉटम साइड से तो आपका अटैक ऐसे होगा, तो ऊपर से OH ग्रुप सब ऊपर जाएंगे ग्रुप यहां पर, तो यहां पर दो बनेंगे स्ट्रक्चर्स यहां पर, जस्ट लाइक योर रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद HCN, तो क्या था फॉर्मेशन ऑफ टू काइंड ऑफ एनेंशियोमर, यहां भी सेम टाइप का रिएक्शन होगा। यहां पर दो टाइप के बनेंगे स्ट्रक्चर्स, एक स्ट्रक्चर में ये होगा रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल। यहां पर एक में क्या होता है, OH ग्रुप जाएगा राइट साइड पे और एक स्ट्रक्चर में OH ग्रुप जाएगा आपका लेफ्ट साइड में। इसको मैं यहां लिख लेता हूं ऐसे करके, एक स्ट्रक्चर में OH ग्रुप जाएगा राइट साइड में और एक स्ट्रक्चर में हमारा OH ग्रुप जाएगा यहां पर लेफ्ट साइड में। दो स्ट्रक्चर बनेंगे यहां पर, बाकी सबका कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, केवल एक कार्बन को छोड़ के यहां पे ये नया बॉन्ड बन जाएगा और सारे बॉन्ड सेम है। अब इसमें है क्या स्ट्रक्चर, देखिए एच OH HH, यहाँ पे OH H OH, बाकी केवल कार्बन नंबर 5 का रिएक्शन हुआ है। ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, यहाँ पे कार्बन नंबर 1, 2 पे हमारा सेम कॉन्फ़िगरेशन है, 3 पे भी सेम कॉन्फ़िगरेशन है, 4 पे भी सेम कॉन्फ़िगरेशन है, 5 पे ही हमारा नया बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन 1 से जुड़ेगा, तो ये हमारे दो बनेंगे स्ट्रक्चर यहाँ पे। इनको हम बोलते हैं क्या, अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज। पहला वाला होता है अल्फा डी ग्लूकोज और सेकंड होता है बीटा डी ग्लूकोज। ये अल्फा डी और बीटा डी कहां से आते हैं, देखो अल्फा डी का मीनिंग क्या होता है, जो नया हमारा एसिमेट्रिक कार्बन जनरेट होगा उस पर OH ग्रुप राइट में आता है तो हम अल्फा यूज करते हैं टर्म्स के लिए, अगर हमारा OH ग्रुप लेफ्ट में जाएगा तो उसके लिए हम होता है बीटा यूज होता है। OH राइट में तो अल्फा, OH लेफ्ट तो बीटा यूज करते हैं इसके लिए टर्म्स के लिए। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है कि अगर हमारा OH ग्रुप राइट में गया अल्फा, बीटा लेफ्ट में जाने पर होता नाम इसका। ये दो होते हैं कंपाउंड, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, दीस टू कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज एनोमर्स। ये टोल्ड सम टाइम डेफिनेशन सर कुछ टाइम पहले कहा था कि दे आर
दे कैन बी टेकन स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट कॉन्फिगरेशन, डिफरेंट कॉन्फिगरेशन एट C1 फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन, और जो आपका नया बनता है हैवी एसिटल और हैवी कीटल कार्बन, कार्बन एटम, इसको हम बोलते हैं हैवी एसिटल कार्बन एटम। कार्बन नंबर वन है, कार्बन नंबर वन पे ही केवल आपका डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है और सारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सेम है। कार्बन 2, 3, 4, 5 जो भी है उसमें हमारा कॉन्फ़िगरेशन सब सेम है। तो इन दो कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स। एक आपका टाइम पहले एक स्टेटमेंट दिया था मैंने आपको कि ऑल एनोमर्स कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज एपीमर्स, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, कि ऑल एपीमर्स कैन नॉट बी टेकन एज एनोमर्स। इसका रीजन ये होता है कि एनोमर में क्या होता है, किसी भी इसमें फर्स्ट टर्म होना चाहिए कि इन दिस केस पहला जो कार्बन एटम है उस पर आपका आता है डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, और वो फर्स्ट कार्बन आपका एनी में भी आता है। एनी का मतलब क्या, कोई सा भी कार्बन, मे बी फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी हो सकता है। तो इसको फर्स्ट हम बोलेंगे एनोमरी कार्बन। कार्बन नंबर वन को हम क्या बोलते हैं यहां पर, कार्बन नंबर वन विल बी कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन एटम। और दोनों में क्या होता है, एनोमेरिक कार्बन में डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होने से ये एक दूसरे एनेंशियोमर नहीं है, ध्यान रखिएगा। वी कैन नॉट कॉल दीज टू कंपाउंड्स एज एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर क्या होते हैं, द कंपाउंड हैविंग रिलेशन एज मिरर इमेज बट नॉन सुपर इम्पोजिबल। इनमें दोनों में क्या आपस में रिलेशन है, ना तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है और ना ही सुपर इम्पोजिबल है। वी कैन कॉल दम डायस्टीरियोमर, दिस कंपाउंड कैन बी कॉल्ड एज डायस्टीरियोमर विच आर हैविंग डिफरेंट रिलेशन, दे आर नॉट एनेंशियोमर। और होता क्या है कि आप जानते हैं कि अगर हम कंपाउंड हो गए डायस्टीरियोमर तो यहाँ पे क्या होता है, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो केमिकल रिएक्टिविटी विद अदर ऑप्टिकली एंड इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव एज वेल एज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। तो इन दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होता है, लाइक मेल्टिंग पॉइंट्स डिफर होते हैं दोनों के। इसको मैं भी बोलता हूँ, एक देखो इसमें हम जो मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन है, अगर हम दोनों कंपाउंड बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज में, इसमें क्या होता है, एक टर्म आता है हमारा कंपाउंड का अल्फा नॉट, इसका वैल्यू है अल्फा डी ग्लूकोज के लिए प्लस 111 डिग्री, और इसमें होता है अल्फा नॉट का वैल्यू अराउंड प्लस 19.5 डिग्री, अराउंड 19 चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, अल्फा डी ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट होता है अराउंड 146 डिग्री सेल्सियस, बीटा डी ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट है 150 डिग्री सेल्सियस। देखो अल्फा नॉट के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं कि अल्फा क्यों चेंज हुआ या क्यों डिफरेंट है। हाँ, इनर्शियल में क्या होता है, अल्फा नॉट का वैल्यू दोनों का बराबर होता है मैग्नीट्यूड में, बट दोनों का साइन अपोजिट होता है, तो वो होता है इनर्शियल। यहां पर तो साइन दोनों का पॉजिटिव है, दोनों का साइन यहां पर पॉजिटिव है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम हमेशा निकालते हैं बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कभी भी जो है देख के बोलते हैं कि साइन प्लस है कि माइनस है कि इतना वैल्यू है, पॉसिबल नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फॉर ए कंपाउंड इज डिटरमाइंड ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली। यहां पे टर्म लिखा है अल्फा नॉट, इसे क्या बोलते हैं अल्फा नॉट को, इट इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूल्स स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, अब ये हमारे दो बन जाएंगे यहाँ पे, क्या सिक्स मेंबर रिंग बनेगा। काउंट कर लीजिए, पांच कार्बन एटम है, 1, 2, 3, 4, 5 और एक एटम ऑक्सीजन आएगा। तो दोनों ही केस में जब फाइव कार्बन एटम होते हैं और एक एटम ऑक्सीजन का है, तो यहाँ पे बनेगा सिक्स मेंबर रिंग। साइक्लिक स्ट्रक्चर आपका बनता है ग्लूकोज का, और उस साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम डिनोट करते हैं बाई हैवर्थ प्रोजेक्शंस। साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बाई यूजिंग हैवर्थ प्रोजेक्शंस। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, सोल्यूशन में उसके आगे जाने से पहले देखिए, सोल्यूशन के अंदर ग्लूकोज आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर में होगा और ये होंगे दे आर इन इक्विलिब्रियम, इनका मिक्सचर प्लस विद द ग्लूकोज, मतलब इससे ये बनेगा, फिर इससे ये बन सकता है, इससे भी ये बनेगा और फिर इससे ये बन सकता है। दोनों साइड आपका रिएक्शन जो है यहाँ पर पॉसिबल
होता है और कन्वर्ट होते हैं कंपाउंड 1 से सेकंड का बॉन्ड में। क्यों होते हैं? उसका रीजन आता है, एक फिनोमेना होता है न्यूटन रोटेशन। अभी उस पॉइंट पर आते हैं, फिनोमेना के ऊपर पहले देखते हैं इसका ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं यूजिंग हैवर्थ प्रोजेक्शंस। यहां पर क्या बताता है, हैवर्थ प्रोजेक्शंस। हैवर्थ प्रोजेक्शंस क्या होता है? इस हैवर्थ प्रोजेक्शंस के अंदर देखिए, ये होता है बेसिकली फॉर कार्बोहाइड्रेट्स स्पेशली यूज करते हैं। कंपाउंड अगर साइक्लिक होता है तो दो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, एक होता है आपका सिक्स मेंबर रिंग, वन एटम ऑक्सीजन, इसको होते हैं पायरान, और एक होता है फाइव मेंबर रिंग, वन एटम ऑक्सीजन एरोमेटिक कंपाउंड ये वाला, इसका नाम होता है फ्यूरॉन। तो अगर हमारे पास कंपाउंड सिक्स मेंबर रिंग होता है तो हम उसको लिखते हैं पायरान टाइप स्ट्रक्चर में, सिक्स मेंबर रिंग होगा इसमें पांच एटम कार्बन है और एक एटम होगा ऑक्सीजन का। अगर हमारे पास फाइव मेंबर रिंग है उसमें एक एटम है ऑक्सीजन का और चार एटम कार्बन के हैं, तो उसको हम ड्रॉ करते हैं बाय राइटिंग फ्यूरॉन टाइप स्ट्रक्चर। यहां पर ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज में अल्फा डी ग्लूकोज, देखिए स्ट्रक्चर वाइज ग्लूकोज का अल्फा डी स्ट्रक्चर में ये हमारा था अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। इसको हमको लिखना है कैसे लिखेंगे, इसमें पांच एटम कार्बन है और एक एटम ऑक्सीजन का है, तो इसको हम ड्रॉ करते हैं एज सिक्स मेंबर रिंग। तो सिक्स मेंबर रिंग कैसे ड्रॉ करेंगे इसमें, इसका तरीका है ड्रॉ करने का, ध्यान से देखिए एक बार समझ जाओगे तो बहुत इजी है ड्रॉ करना। आप एक रिंग ड्रॉ करते हैं, राइट कॉर्नर पर हम ड्रॉ करेंगे ऑक्सीजन एटम और फिर बाकी हमारा सिक्स मेंबर रिंग हमने ड्रॉ कर दिया, और फिर हम बॉन्ड पॉइंट करते हैं अप एंड डाउन, नंबरिंग करते हैं राइट इस ओ के बाद नेक्स्ट कार्बन से, इसको हम कार्बन नंबर वन बोलेंगे, कार्बन टू थ्री फोर फाइव। एक रूल होता है कार्बन नंबर सिक्स विल बी ऑलवेज ऑन टॉप, ये हमने लिख दिया, कार्बन सिक्स का रूल क्या है, हमेशा टॉप में जाएगा या जो भी लास्ट कार्बन होगा हमेशा टॉप में आता है। अब उसके बाद क्या क्या बचता है, जो भी ग्रुप राइट साइड में है उनको हम प्लेस करते हैं कहां पर, ऑन द बॉन्ड्स पॉइंटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो ग्रुप राइट साइड वाले ग्रुप है उनको हम प्लेस करते हैं उन बॉन्ड्स पर जो हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, OH OH फिर अगला H और फिर यहां पर OH, और जो ग्रुप लेफ्ट साइड में है उसको हम प्लेस करते हैं ऑन द बॉन्ड्स पॉइंटिंग इन अप डायरेक्शन। सेम सीक्वेंस में, वन पे हमारा H लेफ्ट में था तो ऊपर, यहां पे फिर से H, यहां पे OH और यहां पे H। जो ग्रुप हमारे राइट साइड में है, सुन लीजिए ध्यान से बार फिर से, कि जो ग्रुप हमारे राइट साइड में है उनको हम प्लेस करते हैं उन बॉन्ड्स पर जो हमारे बॉन्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, और जो ग्रुप लेफ्ट साइड में है उनको हम प्लेस करते हैं उस पोजीशन पर जो हमारे अप डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये हुआ हमारे ग्लूकोज का अल्फा डी का स्ट्रक्चर। अब ये अल्फा डी तो है ग्लूकोज और किस फॉर्म में है, ये हमारा है पायरन स्ट्रक्चर में, तो उसको अल्फा डी ग्लूको पायरानोज, रिजेंबलिंग पायरन तो ग्लूको पायरानोज। जो भी हमारे कंपाउंड रिजेंबल करते हैं पायरन को तो उनमें यूज करते हैं, बट पायरानोज अगर वो रिजेंबल करते हैं फ्यूरॉन को तो नाम होता है उसका फ्यूरानोज, तो नाम उसका होता है फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब ये तो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज का मेल्टिंग, ये इसमें कितना आता था मेल्टिंग पॉइंट, अल्फा नॉट हमने ओनली बोला था इसमें डिफरेंट है प्लस 111 डिग्री, एक था मेल्टिंग पॉइंट, कितना था उसका मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेल्सियस। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज का कितना आता है 146 डिग्री सेल्सियस, ये कम था बीटा डी ग्लूकोज से, क्योंकि इसका रीजन क्या होता है, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। इन अल्फा डी ग्लूकोज अगर आप देखेंगे ध्यान से तो कार्बन नंबर 1 2 और कार्बन नंबर 1 एंड 4 दोनों में क्या है, दे आर सिस कॉन्फिगरेशन, 1 2 पर सिस कॉन्फिगरेशन है, 1 4 पे सिस कॉन्फिगरेशन आता है। अगर हम अभी देखते हैं स्ट्रक्चर बीटा डी ग्लूकोज का तो उसमें क्या होता है, ये दोनों ही कॉन्फिगरेशन कैसे होते हैं, ट्रांस। और आप जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट के अंदर अगर हमारे ग्रुप सेम होते हैं तो ट्रांस आइसोमर्स सिमेट्रिकल होते हैं, उनका पैकिंग ज्यादा क्लोज होता है मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर में, ओपन इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ट्रांस वाले मेल्टिंग पॉइंट
ज्यादा होते हैं। समझ में आया कि इसमें ग्लूकोज में हमारा C1C2 पे सिस कॉन्फिगरेशन है, C1C4 पे सिस कॉन्फिगरेशन है, और इसमें क्या होता है बेल्टमेंट कम होते हैं। अगर हम ट्रांस ड्रॉ करते हैं इस कंपाउंड का तो देखते हैं ट्रांस में इसी कंपाउंड को हम देखते हैं बीटा डी ग्लूकोज में क्या था हमारा केवल कार्बन 1 डिफरेंट था, तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा बीटा डी ग्लूकोज का इन द फ्यूरोनाइल स्ट्रक्चर। वन पे क्या हुआ ग्लूकोज में खाली ये वन चेंज होता है, वन पे OH लेफ्ट में जाता था और H नीचे जाएगा राइट हैंड से, बाकी सब सेम था H OH OH H और यहाँ पे था आपका H OH सब सेम होता है, यहाँ पे 5 पे H, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता है तो 5 पे हमारा H नीचे रहता है, ये हमेशा CH2OH टॉप पे रहता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है बीटा डी ग्लूकोज का, बीटा डी ग्लूको पायरानोस या बीटा डी ग्लूकोस ही है, पायरानोस स्ट्रक्चर लिखते हैं इसको, तो इसलिए पायरानोस वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। अब यहां पर क्या है बीटा डी ग्लूकोस में मेल्टिंग पॉइंट क्या था इसका 150 डिग्री सेल्सियस। अब मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है इसका रीजन है ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। यहां पर क्या है C1C2 और C1C4 दोनों पर क्या होगा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए दोनों में यहां पे भी OH और H ट्रांस में है, 1-4 पे भी OH और H ट्रांस में जा रहे हैं, तो ट्रांस आइसोमर में क्या होता है हायर मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ट्रांस आइसोमर का पैकिंग ज्यादा क्लोज होगा सॉलिड स्टेट में, इसलिए ट्रांस वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है सिस वाले से। तो ये रीजन है मेल्टिंग पॉइंट पे डिफरेंट होने का, बाकी दोनों का अल्फा नॉट वैल्यू डिफरेंट है। इसका अल्फा नॉट होता है 19.5 डिग्री, अराउंड 90 भी लिखा होता है बुक में, तो कोई टेंशन नहीं, 90 यू कैन टेक एवरेज फॉर डूइंग क्वेश्चंस। तो अल्फा नॉट डिफरेंट है दोनों का, मेल्टिंग में डिफरेंट दोनों का होते हैं अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोज के, तो इन्हें हम क्या बोल सकते हैं एनोमर्स, दे कैन बी कॉल्ड एज लाइक योर डायस्टीरियोमर्स। कॉन्फिगरेशन की वजह से आपका मेल्टिंग में दोनों का डिफरेंट होता है। तो ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हुआ हैवर्थ प्रोजेक्शंस के अंदर। इन हैवर्थ प्रोजेक्शंस आपको मैं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी साथ में बोल दे रहा हूं ऊपर। देखिए हम हैवर्थ प्रोजेक्शन का एग्जांपल एक और देखते हैं साथ में, यहां पर फ्रक्टोज के केस में। फ्रक्टोज में क्या होता है स्ट्रक्चर आप देखें फ्रक्टोज का CH2OH CO ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में क्या होता है सेम कॉन्फिगरेशन ऑन कार्बन 3-4-5 OH लेफ्ट में है बाकी के दोनों OH राइट में होते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का डी फ्रक्टोज। साइन इसका नेगेटिव होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। तो यहां पर क्या होता है फ्रक्टोज का जब हम स्ट्रक्चर लेते हैं इसको हम बोलते हैं कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2-3-4-5 कार्बन नंबर 6। इसमें क्या होता है जब रिएक्शन होगा इसमें तो इसका रिएक्शन अटैक करेंगे CO ग्रुप के कीटोन के पास, ऊपर आएगा माइनस चार्ज, बाद में एच लेके यहां पे क्या बनेगा हेमिकीटल, कीटोन से बनते हैं हेमिकीटल्स और एल्डिहाइड्स बनते हैं हेमिएसिटल्स। तो यहां पर जब रिएक्शन होगा इंट्रामोलिकुलर तो दो बनेंगे स्ट्रक्चर यहां पर, एक में क्या है OH ग्रुप राइट में आता है और एक में हमारा OH ग्रुप लेफ्ट में जाएगा। जब अगर OH गया राइट में तो हमारा क्या आएगा OH राइट में गया तो CH2OH लेफ्ट में जाएगा। ये कार्बन 3-4-5 थे यहां पर। अब इसमें क्या हुआ स्ट्रक्चर में एक रिंग बनाएंगे यहां पर, रिंग साइज क्या होगा 5 मेंबर रिंग बनेगा। ये कार्बन नंबर 1 है कार्बन 2 कार्बन 3-4-5 कार्बन 6 थर्ड पे OH लेफ्ट में है बाकी के दोनों OH राइट में थे, लेकिन अब क्या होगा कार्बन 5 इन्वॉल्व हो जाएगा इस टाइप के रिंग फॉर्मेशन में। तो इसको हम देखो OH राइट में आया तो उसको बोलते हैं अल्फा डी फ्रक्टोज। साइन छोड़ दीजिए अल्फा डी फ्रक्टोज। अल्फा का मीनिंग क्या है कि जो नया कार्बन बनता है एसिमेट्रिक उसके पास अगर हमारा OH ग्रुप राइट साइड में जाता है तो अल्फा यूज करते हैं, अगर नया सी के पास OH लेफ्ट में आएगा तो उसको यूज करते हैं बीटा डी टर्म्स के लिए। ये हुआ अल्फा डी का। अगर हम इसका एक और ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर तो उसमें क्या होगा हमारा CH2OH ग्रुप राइट में जाएगा
और OH हमारा लेफ्ट में आएगा, बाकी के सी पर सेम कॉन्फिगरेशन आएगा, थर्ड पे OH लेफ्ट में है, बाकी के दोनों एक OH राइट में है और एक आपका इन्वॉल्व हो जाएगा रिंग फॉर्मेशन में। तो यहां पर क्या बनते हैं, यहां बनेगा आपका फाइव मेंबर रिंग, इसमें चार एटम कार्बन के इन्वॉल्व होते हैं रिंग फॉर्मेशन में, 1, 2, 3, 4 और एक एटम होगा ऑक्सीजन का इन्वॉल्व होता है। तो ये हमारा होता है बीटा डी फ्रक्टोज। सिंपल तरीका है, अगर हमारा ओएच ग्रुप जाएगा राइट साइड पे तो नाम आता है अल्फा डी, और अगर हमारा अल्फा और बीटा में ओएच आएगा लेफ्ट साइड में तो ये हुआ बीटा डी फ्रक्टोज। अब यहां पर क्या है, फाइव मेंबर रिंग है, तो इस फाइव मेंबर रिंग को कैसे ड्रॉ करते हैं, इन हेवर्ट्ज़ प्रोजेक्शंस इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, फ्यूरोनस टाइप स्ट्रक्चर में। इसका क्या होता है स्ट्रक्चर लिखने का रूल, ड्रॉ फाइव मेंबर रिंग, नंबरिंग आपका स्टार्ट हुआ साइड से राइट साइड से, कार्बन नंबर 2, 3, 4 यहां पर रह गया 5, कार्बन 6 ऑल विद इन टॉप, बाकी का क्या होता है इसमें, कार्बन नंबर 2 पे क्या है ओवच ग्रुप राइट साइड में है तो ऑन द बॉन्ड्स पॉइंटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहां पर एच, यहां पे फिर से ओएच, यहां पे और स्पेस या ऑप्शन नहीं है, 5 पे अगर CH2H टॉप में जाएगा तो एच को हमको बॉटम पे लिखना ही पड़ता है। अब आते हैं कार्बन 2 फिर से लेफ्ट में क्या है CH2OH, अगले में OH और अगले में H, ये वो हमारा स्ट्रक्चर अल्फा डी फ्रक्टोज का। तो फ्रक्टो फ्यूरानोज रिजेंबलिंग फ्यूरान, तो नाम आएगा फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ड्रॉ करते हैं सेम स्ट्रक्चर में, इसमें 1 पे 1 हमारा होगा CH2OH, ये कार्बन 1 था, यहां पे कार्बन नंबर 1 ये होगा 2, 3, 4, 5, यहां पे CH2OH टॉप में जाएगा कार्बन 6, और ग्रुप कौन से हैं, अब आपको बच गया OH लेफ्ट में है, अगले में OH लेफ्ट में था, अगले में H लेफ्ट में है, यहां पे तो स्पेस ही और कोई ऑप्शन नहीं है, यहां पर क्या था CH2OH राइट में, फिर अगला H राइट में है, फिर अगला OH ग्रुप राइट साइड पे है। ये हमारा आई थिंक क्लियर आपको हो गया ड्रॉ करने का तरीका, इसमें बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज रिजेंबलिंग फ्यूरान, तो नाम आएगा फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, किसके लिए लेते हैं फ्रक्टोज के लिए। तो ये चीज कॉमन स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर हमको आगे देखना पड़ेगा जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डाइसैकेराइड का। तो ये हमारा हुआ हाउ टू राइट द हेवर्ट्ज़ प्रोजेक्शंस ऑफ फॉर्मूलास फॉर द शुगर्स कार्बोहाइड्रेट्स। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर इतना समय में आपको आया हुआ ठीक से। अब हमारे कुछ और पॉइंट थे ग्लूकोज के बारे में, जो हमारे ऑब्जेक्शन थे ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर के, उनको ऑब्जेक्शन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं बाय द ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो आई होप ये हेवर्ट्ज़ प्रोजेक्शन पार्ट में क्लोज कर रहा हूँ फिलहाल। ये आपका तरीका बहुत सिंपल है ड्रॉ करने के लिए, दो टाइप के रिंग बनेंगे फाइव मेंबर रिंग तो उसको हम लिखते हैं फ्यूरॉन स्ट्रक्चर में, और एक बनता है सिक्स मेंबर रिंग उसको हम लिखते हैं पायरॉन टाइप स्ट्रक्चर के अंदर। तो फ्यूरानोज बोलते हैं इनके लिए, और उनके लिए बोलते हैं टर्म फ्यूरॉन, उसके लिए टर्म बोलते हैं पायरॉनोज फॉर सिक्स मेंबर रिंग्स। अब वापस आते हैं ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर के ड्रॉबैक पे, कि वो ड्रॉबैक कैसे एक्सप्लेन करते हैं ग्लूकोज के हम साइक्लिक स्ट्रक्चर से। देखिए इसमें हमारे जो ड्रॉबैक थे ग्लूकोज के, एक तो होता है कि इन सॉल्यूशन ग्लूकोज कैन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, तो वो हमारे कैसे हुआ दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज, इट एक्सप्लेन्स क्या क्या पॉइंट ये करेगा एक्सप्लेन करेगा। पहला पॉइंट था एग्जिस्टेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ ग्लूकोज इन सॉल्यूशन, कौन से होते हैं, दे आर एनोमर्स,
दैट इज अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोस. अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोस ये बनते क्यों हैं? ड्यू टू रिंग फॉर्मेशन. ड्यू टू रिंग फॉर्मेशन और साइक्लिक स्ट्रक्चर. ग्लूकोज के अंदर क्या होता है? रिंग फॉर्मेशन होता है. सिक्स मेंबर रिंग बनता है. क्यों बनता है? क्योंकि सेम मॉलिक्यूल के अंदर हमारा CH2OH CHO ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है और उसमें अल्कोहल ग्रुप भी होते हैं. तो रिएक्शन होगा CHO ग्रुप का अल्कोहलिक ग्रुप के साथ में और उस रिएक्शन की वजह से क्या होता है? ग्लूकोज में दो टाइप के बनेंगे हमारे स्ट्रक्चर्स, अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज. आई होप ये पॉइंट में आपका आया होगा. फिर एक था उसमें ड्रॉबैक था, फिनोमिना ऑफ न्यूटर रोटेशन. ये टर्म क्या होता है? ये थोड़ा सा टर्म इंपॉर्टेंट है. इट एक्सप्लेन्स ऑल्सो द फिनोमिना ऑफ म्यूटा रोटेशन. अब ये टर्म होता क्या है म्यूटा रोटेशन? देखो ये क्या होता है म्यूटा रोटेशन यहां पर? इट इज फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज टू बीटा डी ग्लूकोज एंड वाइसी वर्सा सो दैट मिक्सचर कैन हैव स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्लस 52.5 डिग्री. ये होता है ग्लूकोज का अल्फा नोड के वैल्यू. इट इज अ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ग्लूकोज. इस वैल्यू को पहुंचाने के लिए हमारा जो ग्लूकोज होता है अल्फा डी ग्लूकोज वो चेंज होगा बीटा डी ग्लूकोज में. कि अगर हमने सपोज ये बनता कहां से ग्लूकोज? फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ सुक्रोज. व्हेन सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड तो आपको देगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज या और भी सोर्सेस होंगे. तो अगर हमारे सॉल्यूशन में ग्लूकोज का जो एग्जिस्टेंस है वो अगर है अल्फा डी ग्लूकोज में तो वो चेंज होता है बीटा डी ग्लूकोज में. और अगर हमारा पहले एग्जिस्ट करता है बीटा डी ग्लूकोज तो वो चेंज होगा आपका अल्फा डी ग्लूकोज में. दे विल इंटर कन्वर्ट फ्रॉम वन टू सेकंड स्ट्रक्चर. क्यों करते हैं? ताकि उनका जो मिक्सचर होता है उसका स्पेसिफिक रोटेशन होना चाहिए प्लस 52.5 डिग्री. इस वैल्यू को अक्वायर करने के लिए, इस वैल्यू को पहुंचने के लिए वो चेंज होंगे एक से सेकंड स्ट्रक्चर में. अगर अल्फा डी ग्लूकोज है उसका अल्फा नॉट कितना था? प्लस 111 डिग्री. और बीटा डी ग्लूकोज में कितना होता है अल्फा नॉट का वैल्यू? प्लस 19.5 डिग्री. अगर आप 19 लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. तो यही फिनोमिना हम इसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन. ये प्रॉपर्टी शुगर्स में आता है. ऑल इनफैक्ट ऑल मोनोसैकेराइड्स कैन शो दिस फिनोमिना ऑफ म्यूटा रोटेशन. क्योंकि वो रिंग बनाते हैं स्ट्रक्चर्स के अंदर और जब रिंग बनता है तब उसके इसमें दो टाइप के स्ट्रक्चर्स में आपको आ ही जाते हैं. तो यहां पर क्या है देखिए, ये एक टर्म हुआ म्यूटा रोटेशन का मीनिंग. अगर क्वेश्चन पूछेगा सोल्यूशन में अल्फा डी ग्लूकोज ये चेंज होगा बीटा डी ग्लूकोज में और वाइस वर्सा चेंज होगा तो मिक्सचर क्या होगा? मिक्सचर विल बी एट इक्विलिब्रियम. ध्यान रखिए सर, मिक्सचर विल बी एट इक्विलिब्रियम थ्रू ओपन चेन स्ट्रक्चर. ये कन्वर्ट होते हैं वन से सेकंड स्ट्रक्चर में कि थ्रू ओपन चेन स्ट्रक्चर ये चेंज होगा इसमें और ये चेंज होगा वापस इसमें. तो ये चेंज होते हैं. तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि सॉल्यूशन के अंदर कितना परसेंटेज होगा अल्फा डी ग्लूकोज का और कितना परसेंटेज होगा बीटा डी ग्लूकोज का, उसको हम निकाल सकते हैं इस डेटा के नॉलेज से. देखो अगर हम अज्यूम करते हैं कि ग्लूकोज का अमाउंट था स्टार्टिंग में 1 मोल तो हमारा ये 0 था. एंड व्हेन वी टेक एट इक्विलिब्रियम पॉइंट तो x मोल विल चेंज टू x मोल्स ऑफ बीटा डी ग्लूकोज या x फ्रैक्शन चेंज होगा आपका बीटा डी ग्लूकोज में. तो कितना फ्रैक्शन चेंज होता है बीटा डी ग्लूकोज में उसको निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? देखो इसका जो वैल्यू हम ऑलरेडी लिख चुके हैं प्लस 111 डिग्री इनटू करेंगे आप 1 माइनस एक्स प्लस इसका था अल्फा नॉट का वैल्यू प्लस 19 डिग्री इनटू हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू हाउ मच प्लस 52.5 डिग्री.
अगर हम अज्यूम कर लें कि ये जो वैल्यू पर मोल का है, तो पर मोल में ये फ्रैक्शन अगर एक्स है तो ये फ्रैक्शन बचा रह जाएगा 1 माइनस एक्स फ्रैक्शन, ये आपका फ्रैक्शन बचा रहेगा 1 माइनस एक्स फ्रैक्शन। तो इसका वैल्यू टोटल कितना हुआ, टोटल कितना हुआ अल्फा नॉट का वैल्यू मिक्सचर का, ये था ग्लूकोज का अल्फा डी ग्लूकोज का अल्फा नॉट का वैल्यू इनटू मोल्स, और ये बीटा डी ग्लूकोज का अल्फा नॉट का वैल्यू है इनटू मोल्स कर देंगे तो इसका वैल्यू आना चाहिए इसके बराबर। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, एक्स का वैल्यू अराउंड 0.636 और परसेंटेज वाइज 63.6% या नियरली यू कैन से 64%। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सॉल्यूशन के अंदर ये परसेंटेज है बीटा डी ग्लूकोज का, तो रिमेनिंग कितना आएगा अल्फा डी ग्लूकोज का परसेंटेज होगा फ्रैक्शन होगा मिक्सचर के अंदर, इसका फ्रैक्शन आएगा 1 माइनस एक्स, हम बोल सकते हैं इसको 0.364 और अराउंड 36.4%। थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज करेगा, टेंशन मत लीजिए, इसमें आपको टर्म थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि टर्म का मीनिंग क्या होता है म्यूटर रोटेशन का, और साथ में इसका रिलेशन अगर निकालना पड़े तो कितना आता है, ये होता है नियरली 64% ग्लूकोज केस में और ये होता है नियरली 36% मिक्सचर के अंदर। और मिक्सचर कहां पर होगा, मिक्सचर विल बी एट इक्विलिब्रियम, दोनों का फॉर्म में रहता है। और ये प्रॉपर्टी किसका है, म्यूटर रोटेशन का। और इसमें थोड़ा सा पॉइंट आप और ऐड कर सकते हैं, ऑल रिड्यूसिंग शुगर्स, इसका मीनिंग क्या होता है, द शुगर विच रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट फेरिंग सॉल्यूशन एटसेट्रा, जो हमारे कॉमन टेस्ट आपके दो दो होते हैं, प्लस एक टेस्ट होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, वो भी रहेगा इसमें, टॉलरेंस रिएजेंट फेरिंग सॉल्यूशन, इनको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। Show the phenomena of muta rotation. तो जो भी शुगर आपका रिड्यूसिंग, जो भी आपका शुगर शो करता है फिनोमिना ऑफ muta rotation, वही केवल रिड्यूसिंग होते हैं नेचर में। रिड्यूसिंग शुगर का मीनिंग क्या होता है, ये कंपाउंड क्या है आपके, टॉलरेंस रिएजेंट और फेरिंग सॉल्यूशन क्या कंपाउंड होते हैं, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दे ऑक्सीडाइज द शुगर्स टू COOH ग्रुप या और ग्रुप में ऑक्सीडाइज करते हैं। तो अगर शुगर का ऑक्सीडेशन होगा तो इन कंपाउंड में क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो शुगर क्या करते हैं, इनको रिड्यूस करते हैं, मीनिंग खुद का शुगर में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है इन कंपाउंड्स के साथ में। तो जो भी शुगर आपके होते हैं रिड्यूसिंग नेचर, उसका मीनिंग होता है They reduce tolerance reagent to give silver mirror and fairing solution to give red PPT of CO2O. और सारे शुगर जो रिड्यूसिंग होते हैं वो शो करते हैं फिनोमिना ऑफ म्यूटा रोटेशन। ध्यान रखिए ऑल मोनोसैकेराइड्स वेदर कीटो शुगर और एल्डो शुगर शो द फिनोमिना ऑफ म्यूटा रोटेशन, सब डाइसैकेराइड नहीं करते हैं। डाइसैकेराइड में क्या होता है, अभी आपको मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा तो बताऊंगा डाइसैकेराइड और ये पॉइंट है कि डाइसैकेराइड में क्या होता है, अगर डाइसैकेराइड में किसी भी एक यूनिट के पास उसमें होता है फ्री हेमी एसिटल ओएच ग्रुप, तभी शुगर क्या होता है, रिड्यूसिंग होता है डाइसैकेराइड में। ये मैं आपको पॉइंट दिखा दूंगा, पॉइंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका जेई मेंस स्पेशली एडवांस के लिए। तो एनीवे ये आपका पॉइंट हुआ यहां पर। अब ये दो ड्रॉबैक हमने एक्सप्लेन किए, बाकी के ड्रॉबैक थोड़ा और देख लेते हैं। देखो बाकी के दो ड्रॉबैक हमारे और थे, क्या था, एक था फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मिथाइल ग्लूकोसाइड्स। वो क्यों बनते हैं, बिकॉज ऑफ टू टाइप्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, सॉल्यूशन में दो टाइप एग्जिस्ट करता है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो हमारे बनेंगे दो टाइप के मिथाइल ग्लूकोसाइड्स जो करस्पॉन्ड करते होंगे इन दो टाइप के स्ट्रक्चर्स को। तो एक बनता है अल्फा डी मिथाइल ग्लूकोसाइड, एक बनता है बीटा डी मिथाइल ग्लूकोसाइड। और होता क्या है, रिंग स्ट्रक्चर में ऑलरेडी एक OH ग्रुप रहता है केवल साइक्लाइजेशन होने के बाद, तो एक रिएक्शन करेंगे एक मोल CH3OH से तो क्या बन जाएगा, OCH3 ग्लूकोज के पास। इसलिए क्या होता है, दो टाइप के बनेंगे यहां पर ग्लूकोज में मिथाइल ग्लूकोसाइड्स विच करस्पॉन्ड टू
अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। एक ड्रॉबैक था कि ग्लूकोज का रिएक्शन नहीं होता है किससे, अमोनिया से, सोडियम बाइसल्फाइड से, स्किप्स बेस से। उसका रीजन क्या होता है, देखो अमोनिया हुआ, सोडियम बाइसल्फाइड हुआ या स्किप्स बेस हुआ, ये सब क्या होते हैं, दे आर वीकर रिएजेंट्स, दे कैन नॉट ओपन द रिंग, उनके प्रेजेंस में हमारा रिंग का ओपनिंग पॉसिबल नहीं है। बट अगर मतलब स्ट्रॉन्गर रिएजेंट लाइक NH2OH, फिनाइल हाइड्रोजन और HCN, NH2OH, फिनाइल हाइड्रोजन, तब क्या होता है ये रिएक्शन देते हैं, बिकॉज ये रिएजेंट क्या है, CN-, या हम बोलेंगे NH2OH या फिनाइल हाइड्रोजन, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होते हैं और ये रिंग को ओपन कर देंगे। और रिंग ओपनिंग होने के बाद कंपाउंड बनेगा, ग्लूकोज स्ट्रक्चर में आता है, उसके बाद आगे रिएक्शन करता है। ये हमारे जो ड्रॉबैक थे हमारे ओपन चेन स्ट्रक्चर के, ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उनको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ रिएक्शन और हैं दो चार ग्लूकोज की, वो हम देख लेते हैं, फिर हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड में।